अस्सलामुअलैकुम। फ्रीडम सम्राट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं अब्दुल अजीज़ लोकापल्ली। आइए आज हम यहाँ पर बादशाह पीना रहमतुल्लाह अलैह उनकी आस्थाने पर आए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आले रसूल सैयद ताजुद्दीन पीना। आइए आज हम यहाँ पर संदल और उरूस के हवाले से उनसे बात करते हैं, देखेंगे अवामुन्नास को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं तमाम शहरान हुबली और पूरे रियासत और पूरे हिंदुस्तान के तमाम आशिकाने औलिया अल्लाह से अपील करना चाहूँगा कि मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत सरकार नूर मशायख सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह क़ादरी अलमारूफ बादशाह पीरा रहमतुल्लाह अलैह अल हसनी वल हुसैनी अल बगदादी केसर मरू रहमतुल्लाह अलैह का नवा सालाना उर्स मनाने जा रहे हैं। 7 दिसंबर को बारगाह में यानी 7 रबीउल आखर की 7 तारीख को, इस्लामी 7 तारीख को, और अंग्रेज़ी जो है 12 तारीख को, 12 दिसंबर को पीर मुर्शिद का जिक्र की महफिल होगी और उसमें लंगर तकसीम होगा, और दूसरे रोज़ 13 नवंबर को संदल माली होगी जो असर के बाद निकलकर मगरिब में बारगाह में संदल की कार्रवाई होगी, और उसके बाद भी लंगर आम तकसीम होगा। और तीसरे रोज़ यानी 15 दिसंबर को बादे जहर 14 दिसंबर को बादे जहर लंगर आम होगा और बादे इशा महफिल समा होगी। इन 3 दिन के तकरीबात में मैं आशिकाने औलिया से अपील करूँगा कि कोविड-19 के होने की वजह से नया वायरस जो आया है उसका ख्याल करते हुए आप तमाम हजरात अपनी सेफ्टी का ख्याल करते हुए कोविड के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसे फॉलो करते हुए हम लोग जो है उसके तकरीबात मनाएंगे। और सर्दी का मौसम है, आने वाले हजरात से मैं अपील करूंगा कि वो अपने गर्मी के सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहनकर उर्स के तकरीबात में शिरकत करें, क्योंकि बाद असर मगरिब और इशा के बाद इन तकरीबात होंगे। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि शहजादे गौसे आज़म हज़रत सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह क़ादरी अलमारूफ बादशाह पीरा अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के 9वें सालाना उर्स के मौके पर आप शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें।